हिंदू संगठनों ने मस्जिद गिराने की मांग की है। संजौली में अवैध मस्जिद गिराने की मांग की जा रही है। हिमाचल में माहौल खराब करने का भी आरोप लगाया जा रहा है। बता दें कि शिमला में संजौली में अवैध मस्जिद को लेकर विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ मस्जिद को लेकर हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सदन में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। वहीं अब इस मस्जिद को लेकर राजनीति भी काफी तेज हो गई है। ओबीसी इसको लेकर अब हिमाचल सरकार पर हमला भी बोलते नजर आ रहे हैं। एक तरफ प्रदर्शन भी लगातार हो रहा है, हिमाचल में माहौल खराब करने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। संजौली में अवैध रूप से बनी मस्जिद को लेकर पिछले कई दिनों से हिंदू संगठनों द्वारा यह विरोध किया जा रहा है। यह विवाद अब सदन तक पहुंच चुका है। संजौली अवैध मस्जिद विवाद को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी हिमाचल सरकार पर हमला बोला है। और बता दें कि संजौली मस्जिद विवाद की शुरुआत एक लड़ाई से हुई। दरअसल मल्याना क्षेत्र में विक्रम सिंह नाम के एक 37 वर्षीय व्यक्ति के साथ कुछ 6 लोगों ने मारपीट की थी। उसके बाद से ही ये विवाद लगातार जारी है। इस मारपीट को लेकर विक्रम ने केस दर्ज कराया था। मारपीट के बाद से आरोप लगा कि वारदात को अंजाम देकर आरोपित मस्जिद में छिप गए। इसमें सारा हिंदू समाज जो हमारा स्नाती समाज है सब इसमें एकत्रित है। इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस का लेना देना नहीं है। इसमें पूरा हिंदू समाज एक साथ ये लड़ाई लड़ रहा है। मस्जिद का जो मामला है, जो ये मस्जिद है ये अवैध बनी हुई है, जिसमें कि कल अनिरुद्ध सिंह जी ने भी विधानसभा में अपनी बात रखी है। ये 4 मंजिले इसकी अवैध है। अगर यह हमारा आधा इंच छज्जा भी बढ़ता है तो उसे तुरंत तोड़ दिया जाता है। 10 साल हो गई है ये इस मस्जिद पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और हम चाहते हैं कि अवैध जो मस्जिद है ये यहाँ पर गिरनी चाहिए, ये हमारी मांग है। ये प्रोटेस्ट इसलिए कि यहाँ पे जो बाहर से मुस्लिम आए हैं उनको हम नहीं चाहते कि वो यहाँ के दंगे प्रसाद करें। हमको ही मतलब यहाँ के हम लोकल वासी हैं, ये लोग हमको मारे आके, इसलिए हम ये कर रहे हैं कि बाहर वालों को जो भी रहेंगे आ रहे उन लोगों को आप लोग स्टॉप करें प्लीज। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग उनको हमारे CM साहब को बोलिए, हमारे मंत्रियों को बोलिए। वैसे हमारे मंत्री महोदय अनिरुद्ध जी ने बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी है। हम चाहते हैं कि हमारे CM साहब को ही एक्शन ले और ये जो अवैध मस्जिद बनी है उसको तोड़ाया जाए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद निर्माण मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। विधानसभा सदन में कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी फिर एक बार आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस के बयान का बीजेपी ने समर्थन किया है तो वहीं AIMIM चीफ ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। तो हिमाचल में निर्माणाधीन मस्जिद पर विवाद अब गहराता जा रहा है। कांग्रेस मंत्री अनिरुद्ध सिंह के बयान पर भी ओवैसी भड़कते नजर आए। अनिरुद्ध सिंह ने अवैध निर्माण पर सवाल उठाए थे। ये कांग्रेस के मंत्री हैं या बीजेपी के मंत्री हैं, ओवैसी ने ये कहा। इस पर हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत है, बीजेपी की जुबान बोल रहे हैं कांग्रेस के मंत्री। तो देखिए अब वाद विवाद इतना बढ़ता जा रहा है कि तीखी प्रतिक्रियाएं भी एक दूसरे को लेकर की जा रही हैं और अब इसकी गूंज जो है सदन तक सुनाई देने लगी है और राजनीति भी अब काफ़ी गर्माती इस मुद्दे पर नजर आ रही है। एक के बाद एक बयानों का सिलसिला लगातार जारी है, एक दूसरे पर टिप्पणी जो है वो की जा रही है। बता दें कि ओवैसी ने जो है हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह और अनिरुद्ध सिंह को लेकर हमला बोला, जिसका पलटवार भी किया गया है। सर पढ़ के भी बता रहा हूं, इसके अतिरिक्त दिनांक 26/6/2013 को मामले की सुनवाई के प्रतिवादी में मस्जिद को एग्जिस्टिंग प्रपोज्ड प्लान्स को मांगा गया सर, और उसमें त्रुटियां पाई गई हैं और फ्रेश ड्राइंग भी मांगी गई। और हैरानी की बात तो यह है सर, ये वेरी इट इज इंपॉर्टेंट के प्रतिनिधि द्वारा क्योंकि 2010 में केस चल रहा था सर, ये नोट करने वाली बात है। 2019 में सर 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? प्रशासन कहाँ सो रहा था? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ सो रहा था सर? वो क्यों नहीं उसको तोड़ा गया उस टाइम? फिर भी सुनवाई कर रहे हैं कि आपने अवैध जो है कंस्ट्रक्शन करी गई। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कानून के ऊपर कोई नहीं है। हम जो भी कार्रवाई करेंगे वो विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ
वो कार्रवाई करवाई जाएगी, चाहे वो एमसी एक्ट की है, चाहे वो पुलिस की कार्रवाई है। और इस तरीके की सांप्रदायिक चीज़ों में ना सरकार कभी फंसती है ना कभी फंसेगी। हमने हमेशा सब लोगों को आगे ले जाना और सब लोगों के हित साधना, ये सरकार का दायित्व बनता है। पर ये ज़रूर है, मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ कि जो भी लोग बाहर के राज्यों से हिमाचल प्रदेश में आते हैं, उनकी असली आइडेंटिटी के ऊपर और उसका एक रिकॉर्ड रखना ये सरकार का सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका हम आने वाले समय में बिल्कुल ख्याल रखेंगे, ये विश्वास मैं दिलाना चाहता हूँ।